प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी शक्ति का अर्जन करना चाहिए। शक्तिहीन व्यक्ति को संसार में जीने नहीं दिया जाता। शक्तियां कई प्रकार की होती हैं, ज्ञान की शक्ति, धन की शक्ति, शारीरिक बल की शक्ति। ये तीनों ही शक्तियां एक ही व्यक्ति में हों तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो इनमें से कोई ना कोई शक्ति तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति में शक्ति नहीं है उसको शक्तिशाली लोग जीने नहीं देते। मनुष्यता तो इसी में है कि जिसके पास जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा दूसरों का रक्षण करें, जिसके पास धन की शक्ति है वो अपने धन के द्वारा दूसरे का पोषण करे, जिसके पास ज्ञान की शक्ति है वो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के अज्ञान को मिटाए, और जिसके पास शारीरिक शक्ति है वो अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों पर अत्याचार न करे बल्कि उनकी रक्षा करे। परंतु संसार में सदा से यह होता आया है कि दुर्बल को सभी सताते हैं, इसलिए मनुष्य को दुर्बल होना नहीं चाहिए, शक्ति अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो जीना चाहता है सुख से, प्रतिष्ठा से, इस संबंध में समझाने के लिए एक कहानी आती है। एक नदी में भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था, उधर से एक भेड़िया भी पानी पीने आ निकला, परंतु भेड़ के बच्चे ने भेड़िए को देखा नहीं था, नहीं तो वह कहीं दबक जाता। भेड़िया ऊपर की ओर था और भेड़ का बच्चा नीचे बहाव की ओर। भेड़िए ने जो नीचे की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि भेड़ का बच्चा पानी पी रहा है। उसके मुख से लार टपक पड़ी, उसने विचार किया कि उसे पकड़ना चाहिए, यह अच्छा भोजन मिला है। वह वहीं से चिल्लाया, क्यों बे, देखता नहीं हम पानी पी रहे हैं, तू पानी को झूठा क्यों कर रहा है। भेड़ का बच्चा घबराया, वह बोला, मैं आपका पानी कहाँ झूठा कर रहा हूँ, आप तो ऊपर पी रहे हैं, आपका झूठा जो बहकर आ रहा है मैं तो उसे पी रहा हूँ। भेड़िया तो कोई बहाना ढूंढ रहा था, ये बहाना नहीं चला तो फिर कहने लगा, तूने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी। भेड़ का बच्चा परेशान, फिर भी बोला, मैं तो अभी 6 मास का ही हूँ, 1 साल पहले तो मैं आपको किस तरह गाली दे सकता हूँ। भेड़िया कब चुकने वाला था, बोला, अच्छा बता तो सही कि कल तेरी माँ मुझे क्यों कोस रही थी। भेड़ का बच्चा सोचने लगा, ये तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। उसने कहा, मेरी माँ को तो मरे हुए भी 1 माह हो गया है, कल वह आपको किस प्रकार कोसने पहुँच गई। भेड़िया समझ गया कि भेड़ का बच्चा चालाक है, यूँ बस में नहीं आएगा। बोला, क्यों बे, तू क्यों इतनी देर से हमारे साथ बक बक कर रहा है, ठहर तुझे इसका मजा चखाता हूँ। यूँ कहकर उसने उस पर पंजा मारा और गर्दन पर दांत गड़ाकर पहले सारा खून पी गया और फिर मांस भी चबा गया। शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को दुर्बल नहीं होना चाहिए, ज्ञानी होने पर भी उसको इतनी शक्ति, अपने शरीर की शक्ति इतनी तो अर्जित करनी चाहिए कि वो स्वयं का रक्षण कर सके। केवल ज्ञान से भी रक्षा नहीं होती, शरीर की शक्ति भी आवश्यक है, और केवल शरीर की शक्ति से भी रक्षा नहीं होती, ज्ञान की शक्ति भी आवश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को शक्ति अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए यदि वो जीवन में सुख से जीना चाहता है तो। इति ओम सम। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें।
इति ओम शम।